टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब से ट्राई की तरफ से डीटूएच के लिए नया कानून आया है तब से समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं सब्सक्राइबर्स के लिए और जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए। जो ट्राई ने सोचा था कि रेट्स कम करेगा, जो सब्सक्राइबर को है उनको ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ और सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जो उनको उपभोक्ता थे बहुत ज्यादा परेशान हुए। जैसा कि पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जितना ज्यादा कंप्लेन हो सके उतना ज्यादा कंप्लेन कीजिए ट्राई को और जो भी आपका केबल ऑपरेटर है उसको। इससे फायदा ये होता है कि ट्राई जो है उस बात को समझता है, सुनता है, उसके बाद उसके ऊपर कंसंट्रेशन पेपर लेके आता है। आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि ट्राई जब भी कुछ नियम में बदलाव करता है तो उसके बाद कंसंट्रेशन पेपर लेके आता है अगर उस नियम में कुछ खामियां हैं तो। आप लोगों को ये भी बता दूं मैं कि जो आर एस शर्मा जी हैं ट्राई के चेयरमैन, उन्होंने पहले ये बताया था कि ट्राई के नए रेगुलेशन में कोई ज्यादा खामी नहीं है। आने वाले समय के अंदर जैसे मार्केट सेटल होगा उसके साथ साथ ही जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी रेट्स बढ़े हुए हैं वो सारे सेटल हो जाएंगे, आप लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलेगी और कम पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, कैसे आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, एनसीएफ के चार्जेस क्या रखने पड़ेंगे, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। डिटेल में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी दे दूं कि इस कंसल्टेशन पेपर के साथ ट्राई ने एक और कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसका नाम है मोबाइल पोर्टेबिलिटी कंसल्टेशन पेपर। इसके अंदर ट्राई ने ये बोला है कि अब जो है अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करते हो तो सिर्फ आपको ₹5.74 का अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि सितंबर 30 से लागू होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि पहले ₹19 पे करना पड़ता था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए और इसके लिए ट्राई ने आज से एक साल पहले के लगभग जो ₹19 का चार्ज था उसको ₹4 कर दिया था, लेकिन इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि जो पहले चार्जेस लग रहे थे वही पे करने पड़ेंगे। लेकिन ट्राई दोबारा से ₹5.74 का प्लान लेके आया जिसके अंदर आपको सिर्फ ₹5.74 पे करने पड़ेंगे अगर आप अपना टेलीकॉम ऑपरेटर चेंज करते हो तो। इससे नुकसान हो सकता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकिन कुछ लोगों को फायदा भी होगा। दोस्तों बात यह है कि सब्सक्राइबर्स को ये प्राइस पे करनी है सितंबर 30 के ऊपर से। तो दोस्तों इन सब खबरों के बाद आपको लेके चलते हैं ट्राई के ओरिजिनल कंसल्टेशन पेपर में जिसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया, ट्राई ने कैसे रेगुलेशन के लिए अपना बिल इंट्रोड्यूस किया था और कैसे चीजों को बदलने के लिए बोला। ये मेन काम इसलिए किया गया था कि सब्सक्राइबर्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें मिलें और जो उनका टीवी देखने का नजरिया है, जो टीवी देखने का तरीका है वो बदले। मतलब कि आपको पता होगा कि 85% लोग जो है लगभग 40 चैनल देखते हैं, तो ट्राई का कहना था कि इन 40 चैनल के लिए जो है सब्सक्राइबर पे करें और वो आराम से टीवी को देखें। लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। हुआ क्या कि जब ट्राई ने नियम में बदलाव किया उसके बाद जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज थी उन्होंने अपने जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स थे उनके प्राइस को ₹19 फिक्स कर दिया और ₹19 फिक्स करने के कारण ये हुआ कि उनके अगर आप दो चैनल एक ब्रॉडकास्टर के लेते हो तो वो लगभग ₹30-31 का हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सोनी चैनल ही सिर्फ, तो सोनी चैनल के दो चैनल अगर आप लेते हो तो आपको ₹30 के आसपास पे करना पड़ेगा, लेकिन 10 या 12 चैनल के लिए सिर्फ आपको ₹31 पे करना पड़ेगा। मतलब कि ट्राई ने पहले यह भी बोला था कि 85% से जो भी बुक के प्राइस आप बनाएंगे उससे आप कम नहीं रह सकते, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो 70% से भी कम आला कटा बेसिस पे जो प्राइसेस हैं अगर चैनल के उनको ऐड करते हैं तो उससे कम बुक के प्राइस में रखा गया है। मतलब ये है कि आपको जो आला कटा बेसिस में ₹19 पे करना पड़ रहा है वो आपको बुके के अंदर कम पे करना पड़ रहा है। इससे परेशानी कहाँ आ रही है, इससे परेशानी ये हो रही है कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे और डीटीएच ऑपरेटर्स थे, इन्होंने बहुत सारे पैक्स बना दिए हैं, बुके बना दिए हैं और इससे परेशान दोबारा से कस्टमर हो रहा है। कस्टमर अगर सिंगल चैनल को सिलेक्ट करता है तो उसका प्राइस ज्यादा पे करना पड़ता है और वो जब बुके लेता है तो बुके लेने के बाद उसको प्राइसेस क्या कम पे करना पड़ता है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कस्टमर्स के ऊपर, सब्सक्राइबर्स के ऊपर, लेकिन वो ज्यादा पे कर रहे हैं साथ के साथ ही। तो ट्राई जो है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सोच रहा है कि भैया अगर ऐसे होता रहा तो इसके कारण जो सब्सक्राइबर्स को फायदा पहुंचाना था इस नियम के बदलाव के बाद कोई भी फायदा नहीं पहुंचा और जो चीजें पहले चल रही थी उससे और बुरे स्थिति में चीजें पहुंच चुकी हैं और परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ट्राई यह भी बताना चाहता है कि अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग एनसीएफ हो जाना चाहिए या फिर डिस्काउंट देना चाहिए जो डीटूएच ऑपरेटर्स हैं या केबल ऑपरेटर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म पैक के ऊपर। मल्टी कनेक्शन के ऊपर भी बात चल रही है कि कुछ जो मल्टी कनेक्शन के ऊपर एनसीएफ सेम चार्ज कर रहे हैं, कुछ डीटूएच ऑपरेटर अलग अलग चार्ज कर रहे हैं, इसके बारे में बात चल रहा है। एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि डीडी चैनल्स को 100 जो चैनल होते हैं जिसके ऊपर आपको फिक्स 25 चैनल लगाने होते हैं उसके ऊपर बात चल रही है कि उसको रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्राई जो है कंसल्टेशन पेपर जारी कर चुका है। आप अपने कमेंट्स भेज सकते हो ट्राई को और आने वाले समय के अंदर बड़ा बदलाव दिख सकता है दोबारा से ट्राई के नियम के अंदर
और हो सकता है कि एनसीएफ साफ हो जाए, या एनसीएफ में कमी आए, या फिर चैनल के प्राइसेस कम हो, या फिर बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। मतलब ये है कि ट्राई जो है लगातार मेहनत कर रहा है अपने सब्सक्राइबर को नुकसान से बचाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ट्राई के नियम आने के बाद बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। सबसे बड़ा परेशान होने वाला डीटीएच ऑपरेटर है तो वो है आपका इंडिपेंडेंट टीवी। बहुत ज्यादा परेशानी होने के कारण इंडिपेंडेंट टीवी आज बंद हालत में है। कब चालू होगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।